भाई ना भाई मेरी राम 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 भाई भाई मैं इस टाइम आया हूँ गुआना और गुआना से भाजपा के तीर्थ सिंह राणा। वाह डायलॉग इंडिया तर्ज मिल गई ना। तो भाई अब ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में इतने आदमी हैं कि रेयरली इतने ऑफिस में इतने आदमी पाने, बाकी यहाँ पे इतने व्यक्ति हैं, पीछे भी बहुत हैं। घुमाइए ना कैमरा, पीछे का नहीं बतेरे भाई, पीछे भी खड़े हैं भाई, और मज़ा आओगा वीडियो बनाते टाइम। ओ हमने मेरा है भाई, ओ जिसका रेल है उसे के लोग बोला करें, फिर भी ले पूछ लेंगे अरे बतला लेंगे। यो भाई बतलाने तैयार है, जो तो पूछना किसे के तैयारी कर रहे हैं, कड़ी जावा में कुरी बैठे रहे हैं। या बात है, हाँ भाई कदे अड़े आ रहे और अड़े बैठे रहे जी, तैयारी कोई और कर जे। ले फिर भी कदे भाई बतला। राम राम भाई। राम राम जी, मैं बीजेपी। भाई साहब कैसे हो? ठीक है भाई, एकदम बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा राणा साहब की तैयारी किसी चल रही है? भाई साहब राणा की तैयारी कम से कम 30,000 का भाई साहब जीतेंगे। युवा हैं, बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं, आरएसएस से हैं भाई साहब, और बहुत काम किया है पार्टी में भाई साहब ने, पोस्टर लगाए हैं, कुर्सी बिछाई है, कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़े, जब से टिकट मिली है जब स्टेज पे बैठे हैं, सारे काम करे हैं भाई साहब, बहुत मेहनती और बहुत नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण गाँव से हैं, बिल्कुल किसान के बच्चे हैं, ना किसी बड़े लैंडलॉर्ड के या मंत्री के या किसी के लड़के हों, अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं। यह बात भाई देखो सच्ची बात है, क्योंकि मैं तीर्थ भाई साहब का इंटरव्यू भी लेकर था, उन्होंने जो योगेश्वर दत्त है उनका भी इंटरव्यू लेकर था, दोनों आने राजनीति का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादे हैं। इवन की तरफ से राजनीति के शब्द कौन ले आओगा, राजनीति की बातें कौन ले आओगा, और ये ट्रिक्स कौन ले आओगा, वो तो खैर पार्टी जाने और इनका व्यवहार जाने, व्यवहार तो इनका है ही नहीं राजनीति का। फिर भी मेरा नहीं भाई इतने अच्छा, गोहाना की खास बात यहाँ पर बड़ी अच्छा कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन है, खिलाड़ी तो हैं लेकिन यार धोबी पछाड़ कौन चले, राजनीतिक पछाड़ चलेगी और वो कितनी चलेगी भाई, बेरा नहीं कुछ नहीं कर सकते। राम राम भाई, ठीक से ठीक ठीक तो बता देता रहे, अरे राम राम तो बोल देता। राम राम जी। राम राम भाई। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा के कुछ लग गए गुहाना का सीन? भाई साहब गुहाने भाई साहब कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, 40,000 से कम जीत है, एक तरफा जीत हो रही है, चारों तरफ भाई का माहौल जबरदस्त हो रहा है, सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है, माटी से जुड़े हो रहा है भाई, आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं हटेंगे कहीं भी, हर एक काम को राजनीति के खिलाड़ी हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा राम राम, तो राम राम, तब ठीक ठाक? ठीक ठाक बिल्कुल। तब के कुछ लगा है तीर्थ भाई साहब कितने के बढ़िया आदमी है, के कुछ लगा है तीर्थ भाई साहब बहुत बढ़िया बालक है और बहुत बढ़िया काम करेगा पार्टी के लिए, किसी किस्म का कोई उलाना नहीं आने देगा। अच्छा भाई राम राम। राम राम भाई साहब, क्या कुछ लग गया है? भाई साहब एक तरफा इलेक्शन है, कार्यालय में बैठे हैं ये तो कहना स्वाभाविक है, लेकिन क्यों करे एक तरफा? भाई साहब किसान के बेटे हैं, जमींदार एक में हैं, जो भी काम है पलवाना एक में हैं, स्पोर्ट्स के एक में हैं, जमींदार और हमने किए चाहिए हरियाणा ने, और बताओ फसल का हमारा भाई ठह जाएगा। अच्छा और हमने किए चाहिए, क्या कुछ लग गया जी? ऐसा जी एक तरफा माहौल बनता जा रहा है, जब से इलेक्शन दो दिन से सिर्फ तीर्थ राणा का ही इलेक्शन है, यहाँ एरिया में भी और देहात के अंदर भी, हमें जो जाट बेल्ट में जो हुड्डा की पर्ची दिखाई दे थी उसमें से भी हमें 60% वोट मिलेगा, और शहर तो हमारा एक तरफा है, कम से कम 40,000 वोटों से लीड करेगा राणा, इस हल्के में सबसे ज़्यादा 6 सीटों में से सबसे ज़्यादा लीड राणा की रहेगी, तीर्थ राणा एक तरफा होकर 40,000 वोटों से मात देंगे, सबसे युवा साथी हैं और मेहनती हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं, सन्यासी है, सब हल्के वाले इस लड़के को चाहते हैं, सभी बुजुर्ग भी युवा भी सभी एक मत होकर इसका सहयोग करें, और छत्तीस हाँ। बरादरी साथ में है, छत्तीस बरादरी हाँ। और हरियाणा में इससे बड़ी जीत और कोई नहीं होगी मेरे हिसाब से। वाह जी वाह भाई, यू अपना होशियार सिंह माजरा नंदकरण भाई, यू बात पूछ लेगा बताया था, वो कवरे बैठे हैं ये तो समझ तो आ रहे हैं, दिमाग तक घुमा फिरा जवाब दे ताऊ आपने। आप बताओ कुछ जी साहब जी, हाँ क्या कुछ तैयारी है इलेक्शन की? इलेक्शन की तैयारी जैसे मनोहर लाल जी ना ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म करे है ना जी। अच्छा और ये क्षेत्र वा तरिश्ता ऊपर उठ कर न जो काम करे हैं। अच्छा पहले था भाई भतीजा वाद था, पर्ची खर्ची चल रहा करती, इब ना कोई पर्ची खर्ची ना कोई तबादला के सारी ऑनलाइन चल रहे हैं, और पहले जो चुनाव होया था वो होया था कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, इब जो चुनाव चल रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो हर जगह विकास कराया है ना, बस सबको समान विकास, सबका साथ सबका विकास,
अब 21 जनवरी 2015 ना हमारे प्रधानमंत्री आए थे पानीपत में, उन्होंने वो नारा लगा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारे हरियाणा का अनुपात ही कितना था, आज आप देख लो आप लोगों की सोच ने कितना बढ़ा दिया, आज हम बराबर आने की तुलना में भाई आंकड़े का शाप्तर, इनकी स्पीच का शाप्तर नहीं लगा, टिकट इन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। भारत माता की जी सर, मैं एक बात बताओ, तीर सिंह राणा था मैं मिला, हाँ जी, बड़े सिंपल आदमी है, हाँ जी, स्टेज पर खड़े होकर मेरे राजनीतिक शब्द कहाँ से निकाल के लाऊंगे, कौन देगा उनके सलाहकार, कौन बनेंगे सलाहकार? जी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सलाहकार हैं, हमारे को सब कुछ बता रखा है, जो पार्टी जिसते भी कमल का निशान दे दो सब सलाहकार हैं जी। वाह जी वाह, एक भी आदमी सा नहीं पाओगे, किससे तो दे दो इन मत है। यो तो नहीं एमएलए में बन जाए चौधरी आप करके चलावे ना ना ना, वो कांग्रेस में काम था, बीजेपी मैं तो पहलवान आदमी है, सीधे बोले हैं राजनीति का ज्ञान नहीं भाई, ये कुर्ते पजामे वाले ये खतरनाक लग रहे हैं। ना ना, कुर्ते पजामे वाले कोई खतरनाक नहीं है जी, पहले क्या था अगर किसी ने नौकरी लगवानी होती तो 5 साल उसके विधायक के घर पर महेश नवानी पड़िया करती, इब को जब काबिलियत था रिटर्न पास करो और नौकरी लगो, इब तक रोला ही ना रह रहा, ना तो 5-5 साल तक पहले वो क्या बढ़िया पढ़िया करते, टिकट लेने खातर नो नंबर पढ़िया करते, मंत्री का छोरा यू, मंत्री के साले का छोरा यू, फलाने का छोरा है, इब देख लो मनोहर जिया ने गरीब परिवार के घर टिकट दे रखी है, किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी किसान के बच्चे ने भी टिकट मिल जाएगी। क्या तीर्थ राणा जी के साथ आप फील्ड में भी जाते हो या यही अपना एक संगठन लगता है प्राण तो लग रहे कुछ आमता जी तड़क के लेकड़ ले मनोहर लाल जी के लिए, और शाम ना 10 बजे पड़े हैं। अच्छा, और जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई है, जो हमारे प्रदेश में कार्य करे है, उस प्रदेश की बदौलत 75 पार का नारा दे रखा है। तो मोदी का नाम पर खट्टर का नाम पर वोट मांग रहे हो, क्या अपना कोई समाज सेवा में योगदान रहे है राणा जी का इससे पहले? इससे पहले समाज सेवा में रहे हमारे तीर्थ राणा जी, सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, धरती से जुड़े धरती से जुड़े हुए आदमी है जी। ये बात सही है भाई, खिलाड़ी आदमी है, सामाजिक आदमी है, मैं मिला उनसे, बहुत ही सरल स्वभाव के उनका व्यक्तित्व है। तो भाई साहब अपना भाई साहब सामाजिक आप बताओ ना, उन्होंने गाँव में खाड़ा चला रखा बच्चों के लिए, उन्होंने गांव में एक ऐसा खड़ा बना रखा है जिन्होंने लड़का लड़की सभी साथ में कुश्ती वगैरह करते हैं, अच्छे आगे बढ़ते हैं, और उनके लिए बार टूर्नामेंट करवाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, मतलब पहलवानी सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल पहलवानी सिखाते हैं, खुद भी पहलवान है, पहलवानी सिखाते हैं। बिल्कुल जी, आप अभी जाएगा ना कदे? मैं उसका चाचा का भाई का लड़का हूँ जी, मेरा चाचा लगा हुआ है। अपना क्या कहना है जी राणा जी के बारे में, कैसी तैयारी है? राणा जी के बारे में ये कहना है, तीर्थ राणा जैसा बच्चा राजनीति में देखने को नहीं मिलता, इतना ईमानदार चरित्रवान देशभक्त बच्चा मिल नहीं सकता। तो एक तरफी जीत में इनका चल रहे हो? एक तरफी जीत नहीं, सब कोशिश करेंगे और अच्छाई की जीत होगी। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, पता नहीं जिला अध्यक्ष है, कौन से अध्यक्ष हैं? राम राम जी। राम राम भाई साहब, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आपका मैंने जींद में मिला था, और भाई साहब मैं जो देख रहा था, मैं यूं कह रहा था कि ये आपका चैनल एक दिन इंटरनेशनल स्तर का बनेगा, और मेरी उम्मीद, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ कि निश्चित तौर पर बुलंदियों पर जाओगे, ये इस चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो धन्यवाद आपका। और गोहाना हल्का की क्या मूड है लोगों का? मूड बिल्कुल क्लियर है, गोहाना कभी संशय में रखता ही नहीं, गोहाना जो करता है वो स्पष्ट करता है। तो अब की बार जो संगठन ने यहाँ हमारे दो चरित्रवान कार्यकर्ताओं को उतारा है, विरोधा से मेरा भाई योगेश्वर शर्मा दत्त जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, गोहाना से हमारा एक एथलीट खिलाड़ी ब्रह्मचारी और सच्चे दिल का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता तीर्थ राणा जो कि मोई बाबा जिंदा जी के धाम से है, वो चुनाव में है। ये चरित्र ऐसे हैं, इन चरित्रों को जितना भी खोदोगे उतना ही इनके बारे में अच्छा पाओगे, कहीं भी किसी प्रकार का दाग इनके जीवन पे, इनके परिवारों पे कहीं भी नहीं पाओगे। क्या कुछ विशेष तैयारी के साथ आप चल रहे हो इस इलेक्शन में? विशेष तैयारी, पार्टी हमेशा विकास की बातें करती है, चरित्र की बात करती है। मैं आरएसएस से हूँ, आरएसएस में हमेशा व्यक्ति निर्माण की बात होती है, व्यक्ति निर्माण है तो वो व्यक्ति अच्छा होगा तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा, व्यक्ति का चाल चलन गलत है तो वो देश के लिए भी खतरा है। हमें देश को परम वैभव पर लेकर जाना है, परम वैभव का मतलब सब देशों का सिरमौर,
हमें अपने देश को वहाँ देखना है। उसके लिए हर व्यक्ति का दायित्व है अपने देश के लिए, जो रेडी वाला है तो रेडी को ही अपनी ईमानदारी से काम करे। यदि कोई भाई मोची का काम करता है तो वो अपना काम ईमानदारी से करे। मैं कहता हूँ कि काम कोई भी छोटा नहीं है, सब काम उस परमात्मा के हैं। कोई किसान है तो किसान का काम परमात्मा ने उसको दिया, सबका पेट भरने का काम, वो सारा काम हम ईमानदारी से करते हैं। आप मीडिया वाले हो, आप जो एक सच्ची खबरें लोगों में भेजते हो, आप ईमानदारी से काम करते हो, तो ये सारा देशभक्ति का ही काम है। धन्यवाद 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 जी। तो कुछ और लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। ये तो भाई संगठन से जुड़े हुए कौन से भाई हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना कैसी तैयारियां हैं इस इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जिस कैंडिडेट को टिकट दी गई वो मतलब बहुत अच्छा लड़का। अच्छा जी। हाँ तो मतलब क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जो मेहनत की है और जो उसकी वफादारी ईमानदारी है उसके कारण उस बच्चे की जीत जरूर होगी। अच्छा तो हमें पता चला है कि आप उनके टीचर रहे हैं, तो स्वभाव से कैसे थे वो, बचपन से ही कैसे थे? मेरे पास वो हॉस्टल में छात्रावास में भी रहा और मेरे साथ वो एक मकान में भी साथ रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना शरीफ ईमानदार और मेहनती बच्चा नहीं देखा। अच्छा जी। हाँ और विशेषकर मतलब पहलवान होते हुए भी उसके अंदर जो परोपकार की भावना है, ऐसी परोपकार की भावना भी कहीं देखने को नहीं मिलती। और इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है मतलब इतना अच्छा बच्चा मतलब राजनीति में आया है तो ये प्रदेश का कहो क्षेत्र का कहो सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे भी राजनीति में आने लगे। तो हमें ज़रूर उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से क्या कुछ मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, अपने शिष्य के लिए? मैं अपने शिष्य के लिए जहाँ कहीं भी हमारे संपर्क के आदमी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो सब अपने आप भी लगे हुए हैं, सब अपने अपने लेवल पर सब लगे हुए हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा कामयाब होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी की नीतियाँ हैं, खट्टर साहब की हैं, भारतीय जनता पार्टी के ठीक उसी प्रकार की नीतियाँ तीर्थ राणा जी की भी हैं? बिल्कुल, उनकी नीतियों के साथ इसका पूरा तालमेल है। अगर इसकी नीति वैसी होती तो मोदी जी हों चाहे शाह हों चाहे खट्टर जी हों, फिर वो इनको टिकट नहीं देते। पूरा तालमेल है, इसीलिए इसको ये टिकट मिला। तो किस प्रकार का जन समर्थन गांव-गांव से शहर से उनको मिल रहा है? चारों तरफ हम घूमकर देख रहे हैं, पूरा जन समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरी युवा शक्ति भी उसके साथ है। क्या कोई बड़ा नेता इनके लिए कैंपेनिंग में आएगा? ज़रूर आएगा, बड़े नेता भी आएंगे। अब अखबार में हमने ये पढ़ा था कि खट्टर साहब का भी, अमित शाह का भी और मोदी जी का भी दौरा हरियाणा में होने वाला है, तो यहाँ भी वो ज़रूर इनको टाइम देंगे। आपको लगता है कि मोदी साहब या खट्टर साहब के आने के बाद कुछ और ज़्यादा फायदा इनको मिलेगा? बिल्कुल होगा, जब सारे संसार में मोदी जी का डंका बज रहा है तो हरियाणा में क्यों नहीं होगा। तो मोदी जी के आने का पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं गोहाना के मंडल अध्यक्ष, इनसे बातें करते हैं बीजेपी के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी कैसी तैयारियां हैं आपकी सिलेक्शन को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, लोगों में जोश है, लोग अपने आप जुटे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कमल का फूल खिल के रहेगा निश्चित रूप से, कोई संशय नहीं है गोहाना के अंदर। तो आप गांव-गांव में जाते हैं, किस प्रकार का सहयोग और समर्थन आपको लोगों से? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग चौपाल के अंदर जगह नहीं होती, आदमी इतने आ जाते हैं और लोग प्यार से आकर के आशीर्वाद देते हैं। माताएं बहनें घर से निकल के आती हैं बाहर और लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिला हुआ है कि हमें तो अपेक्षा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। लोग कहते हैं कि भी एक युवा लड़के को टिकट दी है जो सन्यासी रूप है, जो बहुत अच्छा नेचर है, जिसने पहले घर को त्याग दिया है और पूर्ण रूप से अपना जो स्वयंसेवक रहा है और अपना पूर्ण जो जीवन है वो सारा का सारा समाज को समर्पित कर रखा है, ऐसा हमारा प्रत्याशी है। इलेक्शन से पहले क्या कोई बड़ी रैली भी करेंगे सिद्धराणा जी? इलेक्शन के दौरान? हाँ, बिल्कुल अवश्य होगी। 14-15 तारीख को, लगभग 15 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आएंगे, गृहमंत्री अपने, और 15 तारीख को गोहाना में ही जनसभा होगी। क्या कोई स्टार खिलाड़ी जैसे कि तीर्थ राणा जी खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी आने की संभावना? तीर्थ राणा अपने आप में एक स्टार है, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के अंदर स्टार देखती है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसका स्टार है। लेकिन कैंपेन करने के लिए हमारे ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी उपस्थित रहेंगे, अनेक बड़े बड़े नेता और भी आएंगे। तो फिर भी आपको क्या लगता है किसके साथ मुकाबला रहेगा? ऐसा है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है, क्योंकि अब जो प्रदेश से चला हुआ है
लोगों में एक जुनून है। माननीय मोदी जी ने अच्छे कार्य किए जो एजेंडे के अंदर शामिल थे, जैसे उन्होंने 35 से 370 और GST जैसे फैसले लिए। यहाँ पे माननीय मनोहर लाल जी ने ईमानदारी के साथ युवाओं को नौकरियाँ दी और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्ट पैसा नहीं चलता बगैर पर्ची खर्चे के, तो नौकरियाँ मिलती हैं। कोई भेदभाव क्षेत्रवाद नहीं किया गया, कोई जातिवाद नहीं किया गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। हाँ, इसलिए विजय श्री हमारा साथ देगी बिल्कुल। ओके सर, ओके। देखिए भाई, राम राम ताया, तो ठीक है? ठीक भाई। के कुछ तैयारी चल रही है इलेक्शन की? इलेक्शन की बढ़िया चाल रही है। बढ़िया छोरा है? हाँ बढ़िया, कते एक नंबर का छोरा है, कते बिल्कुल सही जितिया दोगे वो कहना भंगा लागे। अच्छा, बढ़िया वोटा जीतेगा। अच्छा हाँ, राम राम। राम राम भाई, के क्या है? ठीक है छोरा, हमारी नाम बात बढ़िया है। जमा बढ़िया शिव नगर पिया है? जमा शिव नगर पिया है। लेकिन है ठीक है भाई। राम राम। राम राम भाई, क्या है? बढ़िया है। अच्छा ना, पहलवानी नहीं, मैं पहलवान सुना सूखा पहलवान हूँ। खूब लोग बीच में, मारा गुआंडी भी है, भाईचारा बहुत कुछ है, पूरी स्पोर्ट है, किसी तरह कोई नहीं। हाँ जी पहलवान साहब, पैसा भी ले लो। राम राम तो ले ले। राम राम भाई साहब, क्या नाम है? बढ़िया कहते हैं। अच्छा, किस तैयारी चल रही है इलेक्शन? तैयारी तो कहते फुल चल रही है। हैं, तैयारी कहते बढ़िया चल रही है, फुल चल रही है। अच्छा, पहलवान नहीं करेगा यहाँ पे भी? ना भाई, पहलवान नहीं करते हैं। और है पहलवान साहब का गाड़ मरो, पहलवान नहीं करते हुए? ना भाई, बस थोड़ी मोटी जिम जाओ। काम को मामा किस समर्थन मिल रहा होगा? हाँ समर्थन में जाएगा भाई साहब, हम तो कौन है रहा कर, बाकी तैयारी फुल चल रही है। कभी फुल पीछे कर, कोई फाइट नहीं? ना कोई है नहीं, दोरा टक्कर में नहीं ना, ना कोई टक्कर में है नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर भाई साहब? एक तरफा क्यों पड़े हो चक्कर में? एक कोई टक्कर में? हाँ एक तरफा है, पूरा अंगा है। वाह जी वाह, धन्यवाद भाई। भाई जी राम राम। भाई तीरथ राणा बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा। साहब आदमी आता है, हमने देखा नहीं, जो इसकी भावना है ना इतनी बढ़िया है, इस तरह बढ़िया कैंडिडेट आता है हमने देखा नहीं। हमने भी कई इलेक्शन देख लिए, लेकिन इस आदमी ने पा जैसे विचार इसके है ना, बिल्कुल देश हित के विचार है, एक नंबर है, एक नंबर है हमारे, कोई भी कसर नहीं इसमें भाई। हाँ भाई साहब, सभी को जय श्री राम। मैं प्रवीण लडवाल देवीनगर गोहाना से, मुझे यहाँ पर शक्ति प्रमुख का और सह प्रमुख का दायित्व मिला हुआ और मैं अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, कुछ आप कर रहे भाई पूरी। तो फिर क्या लगे है भाई? कती एक तरफा जितवा के लेकर जाऊंगे भाई साहब ने 25 से 30 हजार वोटों से। मैं सुबह में रात को ड्यूटी करूँ खानपुरे मेडिकल में, यहाँ पे निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ भाई साहब। रात ने नौकरी करा है, दिन में इनकी ड्यूटी करा है। क्योंकि एक बहुत भाई बहुत ही बढ़िया है हमारे तीर्थ राणा भाई, जन जन के साथ इतना बढ़िया रिश्ता है कि आप एक बार मिलना भाई से, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं भाई। वाह वाह, मायने के तरीके चाहिए ने। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया है जी, बहुत खुश हूं। बहुत बढ़िया। क्या कुछ तैयारी चल रही है इलेक्शन की जी? इलेक्शन की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है हमारे गुवाहाटी में, सबसे बढ़िया। अच्छा, ऑफिस सबसे बढ़िया ऑफिस तीर्थ राणा का चल रहा है। ऑफिस तो बढ़िया चल रही है, बाहर तैयारी की चल रही है? फील्ड में बहुत बढ़िया तैयारियाँ हैं, हर एक युवा का जोश है, हर एक नारी शक्ति का जोश है। वाह, हमारे बुजुर्ग का हर एक जो बुजुर्ग का जोश है, और हमारे तीरथ राणा एक युवा खिलाड़ी है थे और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है। जो जमीनी कार्यकर्ता है उसने पार्टी का जो चिन्ह लेकर आया, उससे सभी नए पुराने कार्यकर्ता एकदम उसके एक साथ है। मतलब सारे नाके बढ़िया है, सारे नाते बढ़िया है, खिलाड़ी भी बढ़िया है, खिलाड़ी भी बढ़िया है, राजनेता भी बढ़िया है, और युवा बच्चा है, और बहुत शरीफ और बहुत गरीब घराने का बच्चा। वाह जी वाह, धन्यवाद आपका। तो भाई सभी ने, हाँ जी राम राम। राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया जी। क्या कुछ तैयारी है? बढ़िया तैयारी है जी, हमारे तीर्थ राणा एक युवा नेता है, और ये जैसे हमारे माननीय
मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे ही हमारे तीर्थ राणा जी ने एक और स्कीम चलाई है कि बेटी खिलाओ और बेटी बढ़ाओ। इसके साथ में एक नई उम्मीद लेके आए हैं हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में एक स्टेडियम भी अभी बना है, उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है और हमारे गाँव में पहले से ही अपने मतलब एक लेवल पे काम कर रहे हैं कि उसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पहले वहाँ पे जैसे कुश्तीबाजी खिलाड़ी और हर तरह से मतलब उनका साथ दे रहे हैं। तो एक युवा नेता होने के कारण हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसको भारी बहुमत से वोट देकर जिताने की कोशिश करो कि आपका एक आपका साथी आपका भाई और आपका ही एक मतलब बेटा समझकर या अपना भाई समझकर इसको वोट दो, जो कि आगे आने वाले टाइम पर आपका साथ दे और आपको अच्छी मतलब प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए और अपने हरियाणा को मतलब ऐसे रुख से देखे कि अपने पूरे देश की क्या पूरे इंडिया वर्ल्ड में अपना यहाँ हरियाणा का नाम हो, एक तरह से अलग छवि यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं हमारे ये नहीं होते। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो भाई तीर्थ राणा जी के ऑफिस में हम थे और जाहिर सी बात है ये तो बात पूछ नहीं सकते कि वोट दोगे, तो उनके समर्थक हैं, उनमें जोश है, काफ़ी उत्साहित हैं जीत को लेकर के, और चाहे कोई बुजुर्ग है युवा है महिलाएँ हैं सबका सहयोग और समर्थन उनको भरपूर मिल रहा है उनकी छवि के हिसाब से। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो वाक्य में जो गोहाना के लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे तो उनकी छवि किस प्रकार की है उनका। एक भाई और कुछ कहना चाहता है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई, तीर्थ राणा ने 2012 में ये दृढ़ संकल्प लिया था मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा और देश और राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा, और पार्टी की तरफ से चाहे कोई भी जिम्मेदारी लगाई भाई साहब की, जैसे कि दरिये बिछाना कुर्सी लगाना या फिर होल्डिंग लगाना, हर जिम्मेदारी पर खरा उतरा है, लेकिन भाई साहब ने कभी भी ये नहीं दिखाया कि वो जनता से बीच मतलब जनता के बीच से निकल के कभी स्टेज की भी कल्पना भी नहीं करी बस स्टेज पर ऊपर जाऊँ या लोगों को दिखूँ। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे युवा बहुत ही कम मिलेंगे जो दिखावा कम और पार्टी के लिए और देश के लिए सोचने की ज़्यादा। कहने का मतलब है मेहनती आदमी है, चमची मारने वाला सिस्टम नहीं है, काम कर रहा है चाहे वो कुर्सी बिछाने का हो दरी बिछाने का हो, मेहनत करिए संगठन में इसलिए। हाँ भाई बोल। भाई साहब तीर्थ राणा भाई साहब है ना दिखावे की राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ सेवक है, मैं गोरक्षा दल से हूँ और भाई साहब से हम 2007 से जुड़े हुए, हमने भाई साहब को रात ने 3 बजे भी कॉल किया था, भाई साहब ने फोन उठाया है कहीं भी शहर में, ये नहीं गोहाना गोहाना में पूरे हरियाणा में हमने कहीं भी फोन किया तो भाई साहब ऑन सपोर्ट पहुँचे हैं और अपनी जेब से भाई साहब से हमने बोला है भाई साहब गाय का चोट लगी मेडिसिन का काम हो या के का अगर एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने का, तो भाई साहब ने ये काम किए हैं तो समाज सेवा के काम में भी वो अग्रणी हैं। हाँ, और ये तो 2007 की बात है जब ये कह रहे इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं थी, तो उनके मन में देख लो के कहा एक युवा में जो राजनीति के बगैर इतनी बहुत जोश था, तो अब तो के कहा आप ये अनुमान लगा सकते हो कि भाई साहब की विचारधारा का अनुमान यहीं से लगा सकते हो कैसे है। ठीक है जी भाई जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत लंबी वीडियो बनेगी। धन्यवाद। राम राम भारत माता की जय।